और इस दौरान मुख्यमंत्री शहीद के घर जाकर उनके परिजनों से भी मिले। मुख्यमंत्री ने शहीद की पत्नी को योग्यता के आधार पर नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने एयर स्ट्राइक पर लगातार देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है उसे लेकर कहा कि सैनिकों के साथ पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जताया कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी।